विद्यां धनार्थि लभते धनं पुत्रार्थि लभते पुत्रान् मोक्षार्थि लभते गतिं जपेत् गणपते स्तोत्रं कर्मिमार्थे फलं लभेत् संवत्सरे चतुर्थीं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्ये ब्राह्मणे वश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या वै सर्वा केशस्य प्रसादः ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री गणेशाय नमः विष्णुलक्षणं पुष्पं समर्पय बाबा कैलक महाराज की जय। बाबा कैलक देव की जय। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वर साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते हरिः ॐ शुभदा शांता सर्वधा मूलवर्धनम् आयुर्वलम जशो देहि बाबा कैलक देवाय नमोस्ते। आई चुकी ला टिक्का लाओ गणेश तेरा करो स्वस्तिनः भूता विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु हरिः ॐ सहस्रशिरिकः पुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिगु सर्वस्थापयत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुख एवेदगुं सर्वं जद्भूतं यश्चाभ्यम् आज वार्ड नंबर 63 के अंदर एक ट्यूबवेल का उद्घाटन किया है। हमारे साथ हमारे यहाँ के ऑनरेबल कॉर्पोरेटर श्री कुलदीप जी, एससी बोधराज जी, एक्सिन भट्टी साहब ए और हमारे कैलक मंदिर कमेटी के सभी शक्ति जी, पवन जी और कॉर्पोरेटर साहब आए हैं। अच्छा 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 विजय गुप्ता जी, मास्टर रामपाल जी, सबकी उपस्थिति में ये कार्य सम्पन्न हुआ। बस हम परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि ये अच्छी तरह से ट्यूबवेल काम करे और सब लोगों के यहाँ जो नियर बाय लोग हैं अच्छी तरह से पानी लगे, पानी की कमी किल्लत दूर हो। इसके बाद एक और ट्यूबवेल का उद्घाटन होगा कुछ दिनों के बाद बंद इलाके अंदर। इस इलाके में काफ़ी प्रॉब्लम है, ऊपर भी पत्थर में भी काफ़ी प्रॉब्लम है। कुछ प्रोजेक्ट हमने अमृतकू में रखे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ की समस्या सब दूर होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हमने बाबा का पवित्र स्थान पे ट्यूबवेल का उद्घाटन किया है। इस मौके मेरे साथ चेयरमैन अरुण खन्ना जी, बाबा कैल प्रबंधक कमेटी के श्री रामपाल जी, विजय जी, पवन गुप्ता जी, शक्ति जी, सतीश कुमार जी और पूरे एरिया के गणमान्य व्यक्ति आज इस अवसर पे उनका उद्घाटन किया है और इस एरिया की जो पानी की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। जय बाबा।